की महिला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप हो। 72 घंटे से ज़्यादा वो मलबे में दबी हुई थी। पेशेंट जब आई थी वो स्ट्रेचर में आई थी और जब वो हॉस्पिटल से गई है तो वो अपने पैरों में चल के गई थी और जाते टाइम उसके आँखों में आंसू थे हमें धन्यवाद करते हुए, और उसने मतलब हमें भगवान के इक्विवेलेंट बोला और बोला कि जितना धन्यवाद मैं उनका करती हूँ मैं उतना ही धन्यवाद आपका कर रही हूँ। जब मैं राउंड ले रहा था तो एक पेशेंट का रिलेटिव वो देख के समझ गया कि मैं यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हूँ। उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आँखों से लगाया और चूमा, तो मैं भी झुक गया। तो उसने कहा आप समझ सकते हैं ये इसका मतलब क्या है? मैंने कहा आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। तो कहते हैं नहीं आप मेरे पिता समान हैं। तो मैं काफ़ी गदगद हो गया। बट उसके बाद वो बोलता है सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली जनरेशन्स याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए क्या किया। हमने दो छोटी बच्चियों को रबल से 80 घंटे और 104 घंटे के बाद अर्थक्वेक के निकाला उनको जिंदा। लोगों ने तालियां तो बहुत सुनी जब एयरपोर्ट से हम अपने जहाज़ की तरफ बढ़ रहे थे, पर किसी ने वहाँ जो लोग रो रहे थे करा करा के वो शायद आई थिंक जो है लोगों ने कई लोगों को पता नहीं होगा कि कितने लोग रो रहे थे जब हिंदुस्तानी बोल रहे थे कि जब वहाँ से निकल रहे थे।